देखो, आज मैं घर के लिए आलू लेने आया हूँ और एक सज्जन मिले हैं। सज्जन का नाम पूछूंगा। क्या नाम आपका? सुनाई रमन सिंह खत्री। सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, फिर से बताइए। रमन सिंह खत्री। रमन सिंह खत्री। रमन तू खत्री। रमन तू खत्री, नाम तो बहुत जबरदस्त है। रमन तू, मेरे को ऐसा लगा पहले रमन सिंह छत्री, हमारे यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे रमन सिंह। और गुटखा खाने का अंदाज देख सकते हैं, मेरे बोलने से गुटखा ये बंद कर रहे, अब खा नहीं रहे। और ये भाई साहब आलू तोलो ना। ये बोल रहे हैं दो ना दो, मैं इनसे बोला था युवा नेता दिया है और इनको दाद नहीं है, उसके बाद भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुटका जरूर चाहिए। गुटका नहीं मिला तो भले सेठ को भी हिला देते भैया। अच्छा, इनको बिना गुटका रह नहीं सकते? बिना गुटका रह नहीं सकते भैया, भले दांत नहीं है तो क्या हुआ। सूर्यवंशम पिक्चर में था, अंधा हूँ तो क्या हुआ, छुपकर मजा तो ले सकता हूँ ना। वैसे ये उनके भाई है, दांत नहीं है तो क्या हुआ, गुटका तो खा सकते हैं, वो हमारे भैया है, गुटका के बिना नहीं रह सकते। तो आप इनके मालिक हो, आप यहाँ काम करते हैं, तो ये क्या गुटखा दिन भर में कितना खा पैकेट खा लेते हैं? वो तो खुद डरते रहते हैं, सात आठ गुटखा खा लेते हैं। मैं तो बहुत छुड़वाता हूँ, छोड़ते ही नहीं है। सात आठ गुटखा तो ये अपने इनके अपने तनख्वाह से। अच्छा, बिना ड्यूटी के तो और कितने खा लेते हो? पता नहीं। तो ये आप अलग से पैसा देते हैं क्या इनको, या तनख्वाह में से काटते हैं? नहीं, वो अपना खुद लेके आते हैं। अपने खुद लेके आते हैं, खुद लाते हैं, खुद ही यूज करते हैं। अच्छा, ये मेरे घर के लिए आलू तौल गए हैं। और रमन सिंह, रमनचो इधर आओ आप। ये रमन तोर खत्री आए हैं। गुटखा खाने आप कब से चालू किए? ये हो गया 35 साल हो गए। 35 साल? और आपकी उम्र कितनी है? मेरा अभी 45 हो गया, ज़्यादा 47 साल। और बहुत कम उम्र में चालू कर लिए थे आपको? बहुत कम उम्र में गुटखा चालू कर दिया खाने के लिए? 15-16 साल के खाने के चालू। तो खाने का कारण क्या है ये गुटखा का? खाने का आदत बढ़ गया तो भैया। नहीं, आदत तो बोले तो पूछिए, नशा करता है या इसको खाने से पेट अपन पेट भरता है हमारा, ऐसा कुछ है कि कारण इसका? खाना खाने के बाद खाते हो? हजम भी कर लेता है। अच्छा, खाना खाने के बाद गुटखा खाओगे तो खाना हजम हो जाता है? खाना हजम हो जाता है। बहुत नई एक जानकारी मिली हमको कि खाना खाने के बाद में, अगर मतलब दिन में नाश्ता और दोपहर का खाना और रात के खाने के बाद में इसको खाते होंगे। एनी टाइम चलता रहता है इनका कहना है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। बिल्कुल, क्या नाम आपका एक बार फिर बताएंगे यूट्यूब चैनल वालों को? रमन सिंह छत्री। रमन सिंह छत्री। इनका नाम रमन चो छत्री नाम इनका। ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और ये सोनी जी के पास में काम करते हैं। सोनी जी का देख सकते हैं आलू प्याज और लहसुन का काम है, होलसेल का और रिटेल का भी। कुछ कहेंगे अपने रमन सिंह के बारे में आप? भाई, मैं तो खुद यहाँ वर्कर हूँ, वर्कर बन के काम करता हूँ, साथ में काम करते हैं मिलके। अच्छा सर। और मैं ऐसे कितने बार बता चुका हूँ कि गुटखा खाने से खून की कमी भी होती है। अच्छा। क्योंकि जो हमारे पाचन क्रिया बनाता है लार, हाँ, वो लार अपन फेंक देते हैं गुटखा खाते खाते। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, अब देख सकते हैं सोनी जी को इसके बारे में। कमी भी होती है। अच्छा, खून की कमी भी होती है। हाँ, और इसलिए मैं इसे कई बार मना कर चुका हूँ लेकिन ये नहीं छोड़ता। तो भाई अब रोज इसको नहीं समझा सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इनको गुटखा, अब किस बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कई चीज़ों की आदत है, अब किसी को ये नहीं बोल सकते ये छोड़ो वो छोड़ो, क्यों सही बोल रहे हैं ना। अब आदत लगी उसको छोड़ना पॉसिबल कैसे? अब उम्र भी आपके 47 हो गए है, तो अभी इस उम्र में आप छोड़ सकते हैं क्या किसी के बोलने से? दांत भी टूट गया है। चबाते कैसे होंगे तो गुटखा? बिना दांत के दांत नहीं रहा।
दांत बिल्कुल नहीं है, गुटखा फिर भी दबा के रखे मुंह में, चबाते नहीं उसको आप? नहीं चबाते। चलो ठीक है, अभी का यही मैं समाप्त करता हूँ ये वीडियो। ये नई जानकारी मिली है, शेयर करेंगे मेरे YouTube परिवार चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। धन्यवाद।